प्रदेश में उपचुनाव के दौरान कमलनाथ के बिगड़े बोल, इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी। नाम लो आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ की टिप्पणी पर इमरती देवी का छलका दर्द, फूट फूट कर रोई इमरती देवी। इमरती देवी ने कहा, बड़ा भाई मानकर कमलनाथ की छूती थी पैर, लेकिन दलित महिलाओं से नफरत करने वाला ये शख्स भाई बनाने लायक भी नहीं। तू इस लाख है ही नहीं, कमलनाथ तो राजनीति लाख नन्हा, राजनीति करने वे के लाख नन्हा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नियत कितनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा महिला का ऐसा अपमान कतई बर्दाश्त नहीं, कमलनाथ करे शर्म। बयान पर बवाल के बाद भी कमलनाथ का माफी से इनकार। आइटम कोई असामान्य शब्द नहीं है, मुझे उस मौके पर नाम नहीं याद आ रहा था विधायक का, मैंने कहा वो जो यहाँ की आइटम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के साथी दिग्विजय सिंह के पुराने बयान की दिलाई याद, कहा महिलाओं को एक आइटम बताता तो दूसरा टंच, सोचे कैसी है मानसिकता। कमलनाथ की मंत्री इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ मध्य प्रदेश में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मौन धरना, इंदौर में बीजेपी का मौन धरना, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की अगुवाई, खंडवा में सिंधिया की रैली में किसान की मौत, रैली में पड़ी रही लाश लेकिन चलते रहे भाषण, सिंधिया के मंच पर आने से पहले हुई किसान की मौत, सिंधिया का आरोप किसान कांग्रेस कर रही है गुमराह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कृषि कानून को बताया काला कानून, पीड़ितों की आवाज दबाने का आरोप। बिहार में आज सीएम नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ रैलियां, कुल 5 रैलियां करेंगे संबोधित सीएम नीतीश कुमार की, आज गया में 3 रैलियां, औरंगाबाद में 1 और जहानाबाद में भी 1 रैली। नीतीश पर लालू यादव ने किया ट्वीट, बार विकास में समंदर की दलील का बना मजाक, दी नसीहत, लिखा नीतीश तुम अब थक गए हो आराम करो। लालू ने एक कार्टून भी ट्वीट किया जिसमें एक शख्स बिहार में समंदर बनाने के लिए घड़े में पानी ले जा रहा है। लालू यादव पर जेडीयू और बीजेपी ने किया पलटवार, कहा लालू खुद इतने दिनों का काम करके थके, अब जेल में कर रहे आराम, छूटने की भी कोई संभावना नहीं। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी का वीडियो अचानक, मंत्री महेश्वर हजारी को बेइज्जत करती जनता का वीडियो ट्वीट किया, सड़क नहीं होने पर उन्हें ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया। घूमे से काम न चलते, 10 साल विधायक रहे हैं, जवाब कहिए पहले देने के लिए, उसके बाद वोट देंगे। तेजस्वी ने किया ट्वीट, नीतीश के कागजी विकास की खुली पोल, कोरोना, चमकी बुखार, बाढ़, सूखा, हर समस्या पर दिखी नाकामी। तेजस्वी ने बहुमत की सरकार का किया दावा, सीएम नीतीश कुमार को दी चुनौती, अपनी 15 साल की किसी एक उपलब्धि पर करे मुझसे बहस। और हम लोग बड़े कंफर्टेबली मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, लोगों में उत्साह है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से पर किया वार, 15 सालों का मांगा हिसाब। चिराग ने बिहार के चुनाव प्रचार में असंभव नीतीश हैशटैग की शुरुआत की। मिशन बंगाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सिलीगुड़ी से करेंगे शुरुआत, बंगाल के सभी 6 जोन का करेंगे दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। चंडीगढ़ में हिरासत में लिए गए बीवीपी के प्रदर्शनकारी, ऐसी स्कॉलरशिप घोटाले में मंत्री साधु सिंह के खिलाफ केस की कर रहे थे मांग। 14 दिन के लिए जेल भेजा गया बलिया का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, बलिया पुलिस ने नहीं मांगी रिमांड। कल रात बलिया पुलिस ने की मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह से पूछताछ, कहा आत्मरक्षा में चलाई गोली। सूत्रों के मुताबिक धीरेन्द्र सिंह ने कहा दूसरे पक्ष ने शुरू किया हंगामा, हथियार रिकवर करने में मदद का दिया भरोसा। बलियाकांड का आरोपी का समर्थन में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गिरे, पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। सुरेंद्र सिंह से की करतूत से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज, कहा जांच में दखल दी तो होगी कार्रवाई। आज 2 आतंकी हमलों से दहला कश्मीर, पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ टीम पर किया अटैक, आतंकी हमले में 2 सीआरपीएफ जवान घायल, आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़।
कश्मीर के बारामूला में दो आतंकी गिरफ्तार, गिरफ्त में आए दोनों लश्कर ए तैयबा के से जुड़े हुए। बारामूला में सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। फारूक अब्दुल्ला पर ईडी ने कसा शिकंजा, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मामले में पूछताछ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े केस में 43 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप, ईडी ने इसी पर फारूक अब्दुल्ला से किया सवाल। सरहद पर पाकिस्तान की साजिश का बड़ा खुलासा, एलओसी के करीब 80 आतंकियों के साथ सक्रिय है पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम। एलओसी के करीब बैग के साथ लॉन्चिंग पैड का पता चला है। उरी गुरेज तंगधार केजी और विजी सेक्टर के करीब बनाए गए हैं आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स। कराची में नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी, मरियम नवाज ने ट्वीट कर दी जानकारी, होटल से पति को किया गया गिरफ्तार। पति की गिरफ्तारी पर बिफरी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, प्रधानमंत्री इमरान खान को बताया डरपोक। हाथरस कांड में अलीगढ़ के जैन अस्पताल के डॉक्टरों से होगी पूछताछ, सीबीआई की 5 सदस्यों की टीम पहुंची, आरोपी से भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम, अलीगढ़ जेल पहुंची दूसरी टीम। दिल्ली दंगा केस में खुलासा, भजनपुरा में 8 लड़कों का गैंग ने की आगजनी और लूट, 50-60 लोगों की भीड़ के साथ लड़कों के गैंग करते थे लूटपाट, 10 लोगों की शिकायत पर 10 केस दर्ज। हिसार में दर्दनाक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, टैंकर ने बाइक सवार को कुचला, गंभीर रूप से घायल है महिला। देश में कोरोना के कुल मामले 75 लाख के पार, 55,000 से ज्यादा नए मामले। देश में 24 घंटे में 589 लोगों की गई जान, मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,14,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,299 नए मामले, 28 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की बनी हुई है रफ्तार, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए केस। वाराणसी में 7 महीने बाद खुले स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही क्लासरूम में मास्क भी है अनिवार्य। सुकमा में नक्सली साजिश से बाल बाल बचे जवान, आईडी बरामद। हैदराबाद में बारिश के बाद सैलाब से हुई तबाही की नई तस्वीर सामने आई, मलबे में दबी नजर आई तमाम गाड़ियां। तबाही का ये वायरल वीडियो बनालगुंडा का है और सभी कॉलोनी में कीचड़ और पानी भरा हुआ है। हैदराबाद में सैलाब की तबाही में जा चुकी है कई लोगों की जान, तेलंगाना में सैलाब से 50 की मौत। हैदराबाद के चंद्रयान भुट्टा इलाके में गलियों में बारिश के बाद बहते दरिया जैसे हालात, लोगों को हुई भारी क्षति। भदोही में विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे समेत 3 लोगों पर रेप का केस दर्ज, 25 साल की महिला से बलात्कार का आरोप। बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के दोषी बुजुर्ग को दी 7 साल की कैद की सजा, 2010 में 3 साल के मासूम से 75 साल के बुजुर्ग ने की थी दरिंदगी। दिल्ली में फिर बढ़ता जा रहा है प्रदूषण का स्तर, जहरीली हो रही है आबोहवा। दिल्ली में स्वच्छ जागरण मंच, जागरण मंच कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 7 महीने बाद पंजाब में खुले सभी स्कूल, लेकिन छात्र महज 5% ही उपस्थित रहे। पाली में दर्दनाक हादसे में एक शख्स की गई जान, 3 गाड़ियों की हुई टक्कर। असम मिजोरम में सीमा विवाद पर हिंसा आगजनी, कई लोग जख्मी, प्रधानमंत्री तक पहुंचा मामला। असम मिजोरम में हिंसा का मामला, हिंसा प्रभावित इलाकों में भारतीय रिजर्व वाहिनी तैनात। खरगोन में शराब लेने के लिए हुआ विवाद, दुकान में घुसकर की गई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पैतृक गांव शेरवनी बधाल गांव में न तो अस्पताल न ही पक्की सड़क। देवरिया में 2 पक्षों की भिड़ंत में महिला पुलिसकर्मी ने दूसरी महिला को पीटा, सभासद के खिलाफ पर्चे बंटवाने पर हुआ था विवाद। हरदोई में लड़की से गैंगरेप का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर जेल में प्रशासन ने मारा छापा, चुनाव के मद्देनजर हुआ एक्शन। धौलपुर में बीजेपी नेता की गोली मारी गई, हमले का वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद में करण की चपेट में आने से सफाई कर्मी की मौत, नाराज घर वालों ने प्रदर्शन किया। अजमेर में किशनगढ़ के चर्चित बहुचर्चित भंवर सनूदिया हत्याकांड में मुख्य गवाह का कत्ल, बाइक सवारों ने किया था हमला। खंडवा में पानी में डूबते युवक का वीडियो बनाते रहे सैकड़ों तमाशबीन, थानेदार ने छलांग लगाकर निकाला लेकिन नहीं बच पाई जान। मध्य प्रदेश के जबलपुर से अक्वा बिजनेसमैन के बेटे की नहर से मिली लाश, किडनैपर्स का अभी तक कोई सुराग नहीं। धौलपुर में बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष पर हमला, पीट पीट कर किया घायल। रोहतक के गांव में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।